हेलो दोस्तों, मेरा नाम है तनवीर और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टैक विद तनवीर में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि इंडियन गैस का सब्सिडी कैसे चेक करेंगे, कि आपकी सब्सिडी आ रही है कि नहीं आ रही है। अगर नहीं आ रही है तो आप कंप्लेंट कैसे करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। गैस की सब्सिडी चेक करने के लिए आप इस वेबसाइट पर जाएंगे, मैं इसका लिंक नीचे दे दूंगा। आप यहाँ पे एलपीजी पे क्लिक करेंगे। एलपीजी पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे लिखेंगे सब्सिडी स्टेटस, उसके बाद प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। कैटेगरी का ऑप्शन खुल के आ जाएगा। देखिए यहाँ पे कैटेगरी का ऑप्शन खुल के आ रहा है और हम क्लिक करेंगे सब्सिडी रिलेटेड पहल, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे सब्सिडी नॉट रिसीव्ड को सेलेक्ट करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके सामने एक फॉर्म जैसा से खुल के आ जाएगा। अब मोबाइल नंबर वाले को हम छोड़ देते हैं। यहाँ पे एलपीजी आईडी, अगर आपको आईडी पता है, यहाँ पे बॉक्स दे रहे हैं, चार बॉक्स दिए हुए, अगर आईडी पता है तो आईडी की पता है तो हम इसमें तरीका बता, एक ऐसा तरीका होता है जिससे एलपीजी आईडी फाइंड भी कर लेंगे और सबमिट भी हो जाएगी। यहाँ पे नीचे देखिए ऑप्शन दिया हुआ है नो योर एलपीजी आईडी, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद एक फॉर्म खुल के आ जाएगा। यहाँ पूछ रहा है स्टेट, हम स्टेट यहाँ पे चूज कर लेते हैं, उत्तर प्रदेश। उसके बाद यहाँ पे ऐसे डिस्ट्रिक्ट चूज कर लेना है, जिस भी डिस्ट्रिक्ट के हों आप। उसके बाद यहाँ पे कौन सी एजेंसी से आपने लिया हुआ है, उसके बाद आपके पासबुक पे एक नंबर दिया होगा, आप लोग उस पर देखेंगे तो दिया रहेगा कि कितना आपका पासबुक नंबर है। उसके बाद फाइंड पे क्लिक करेंगे। पर क्लिक करने के बाद देखिए, मैं किसी दूसरे का लिया हूँ तो यहाँ पे दिखा रहा है एलपीजी आईडी इतना और किसके नाम से। इसके अलावा देखिए यहाँ पे ऑटोमेटिकली फिल हो गया। अब हम क्या काम करेंगे, यहाँ से आई एम नॉट ए रोबोट, इस पर क्लिक करेंगे और इसके बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ से आप थोड़ा नीचे ड्रैग करेंगे तो आपको एक रिपोर्ट जनरेट करके दिख रहा, रिपोर्ट जनरेट किया होगा। देखिए दिया हुआ सेलेक्ट द आईडी ट्रांजेक्शन, सेलेक्ट द ट्रांजेक्शन आईडी यू वांट टू मैप विथ एसआर, ठीक है। आप चेक कर पाएंगे किस तारीख को किस महीने में आपको सब्सिडी आई है 60 रुपये 50 रुपये। अगर नहीं आया है आपके अकाउंट में तो आप यहाँ पर ऐसे चेक कर लेंगे, जिस महीने में भी नहीं आया है आपके अकाउंट में। चेक करने के बाद यहाँ पर एक फॉर्म देगा जो भी मैटर है पूरा लिखने के बाद, और सबमिट कर देंगे। और अगर इसके अलावा भी यहाँ पे आपको देखिए ऐड अटैचमेंट का ऑप्शन दे रहा है, आप एप्लीकेशन लिख करके स्कैन करके और उसको अटैच करने के बाद सबमिट कर देंगे।